सीहोर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा है कि आर पार की लड़ाई का जुमला अटल जी ने दिया था, इमरान खान आतंकवाद पर सख्ती से कार्रवाई करें और मसूद अजहर और हाफिज सईद को तत्काल भारत सौंपे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है, जब भी देश को खतरा होगा हम एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सदैव राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति और हम लोगों ने हमेशा जो भी सरकार रही हो, जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, यहाँ भी देश को खतरा हुआ है, हम लोगों ने एकजुट होकर उसका मुकाबला किया। जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर एक नई ट्रेन का शुभारंभ किया। अगर यही कांग्रेस के राज में हो गया होता तो सबसे पहले मोदी जी उसके खिलाफ बयान देते। ठीक है, अपना अपना सोच है, लेकिन इतना हम जानते हैं खान साहब, ये देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं है, हम सब एक हैं। सर, आपको लगता है कि भारत को अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाहिए? आप एक बहुत वरिष्ठ देश के राजनेता हैं। ऐसा है, ये आर पार की लड़ाई का जुमला अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत किया था जब संसद पे हमला हुआ था। आज के जो विश्व की व्यवस्था, जो हालात हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, उसमें सभी देशों से चर्चा करके और निर्णय लिया जाता है। मूल रूप से जिस प्रकार से पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को संरक्षण दे रहा है, लश्कर ए तैयबा को संरक्षण दे रहा है, यह बात साफ होती जा रही है कि आतंकवाद को पाकिस्तान में न केवल जन्म हुआ है लेकिन वहाँ शरण भी पाए हुए हैं, उनको पूरा संरक्षण दिया। अभी बोलेंगे सबको, ये तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब से वे सख्ती से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें और हाफिज सईद और मसूद अजहर को तत्काल भारत को सौंप। सर, अंतिम बात, सर आप खुद एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं सर, और जिस तरह क्रिकेट को लेकर आप नई बात चल रही है कि पाकिस्तान के आतंकवाद व्यक्ति क्रिकेट को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान, सर आप सहमत हैं इस बात से? ऐसा है कि विश्व कप पाकिस्तान भी खेलता है, भारत भी खेलता है। अगले साल विश्व कप होने वाला है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका क्या असर होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने हमेशा खेल को राजनीति से अलग रखा। थैंक यू।